इस वर्कशॉप में मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत मिनिमम खर्च में मैक्सिमम रिजल्ट्स दे। क्या कह रहा हूँ? मिनिमम खर्च में मैक्सिमम रिजल्ट्स दे। ऐसे बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंसी वाले होते हैं, वास्तुशास्त्र वाले होते हैं, वो कहते हैं आप बहुत एक्सपेंसिव सामान लगवा देते हैं या बहुत सारी यंत्रांश को लगा देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके घर पे कौन सी दिशा खराब है। अभी जो मैं रेमेडी देने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा आता है परंतु पैसा रुकता नहीं, बेवजह कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में खर्च हो जाता है। समझना, ये जो रेमेडी जो मैं दे रहा हूँ इसे किसी दूसरी चीज़ के साथ इन्वॉल्व मत करना। पहले तो आप मेरा प्रश्न समझ लो, फिर मैं आपको आंसर्स दे रहा हूँ। उन लोगों के लिए यह उपाय है जिनके पास पैसा आता है, पैसा तो भरपूर आता है परंतु सेविंग्स नहीं होती। अब कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है या कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी अच्छी है परंतु वह देखता है कि मंथ के एंड में उसके पास 5,000, 6,000, 4,000 या ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बचा ही नहीं, कर्ज में नहीं जा रहा है परंतु पैसा बच ही नहीं रहा है। मतलब आय, एक डायलॉग है ना, आया राम और गया राम, मतलब आया इधर से और उधर से गया। तो ऐसी कंडीशंस पे सेविंग्स कैसे हो? तो हमें देखनी है सेविंग्स का जो जोन है वह है प्रॉफिट एंड गेन्स का जोन है, हम वेस्ट की जोन को देखेंगे, ठीक है? सेविंग्स का जोन है और वेस्ट साउथ वेस्ट को देखेंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट नॉलेज का भी जोन है और सेविंग्स का भी जोन है। और एग्जैक्ट वेस्ट 270 डिग्री, 270 डिग्री जो है वो एग्जैक्ट वेस्ट होती है। इस दिशा पे आपने देखना है क्या क्लाइंट के घर पे टॉयलेट है। अगर है तो मार्बल के ऊपर में अपने ग्रीन कलर का पेंट करवा देना और कुछ मत करवाना, रेमेडीज मिल जाएंगी। एक क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे को कॉल किया, बोले सर मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया कि इस कलर के कपड़े का मतलब इस कलर का यूज़ करना चाहिए, आपने तो ग्रीन कलर कहा है और वेस्ट में बोला गया है कि ग्रीन कलर एंटी होता है। मैंने कहा ठीक है, आपने जो अपना नॉलेज रखा है वो बहुत अच्छा है, या तो आप उसे फॉलो कर लीजिए या तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं सर, कंसल्टेंसी के चार्जेस तो मैंने आपको दिए हैं तो मैं आपको फॉलो करूंगी। तो मैंने कहा बस आप करिए और आपको रिजल्ट्स ना मिले तो मुझे कहना। देखिए होता क्या है, सब व्यक्ति के देखने का नज़रिया अपना अपना होता है। अगर वेस्ट पे प्रॉब्लम आई तो आपने आंख बंद करके कौन सा कलर, ग्रीन कलर लगवा देना। अब वो होगा कितना, गैस चूल्हा कितने फिट का होता है? ऑलमोस्ट 2 से 3 फिट का। वो 2 से 3 फिट का होगा, उसके ऊपर आप गैस चूल्हा रख दिए तो वो ग्रीन कलर कहाँ गया भाई, वो तो हट गया ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वुड एलिमेंट आ गया, उसको बैलेंस कर रहा है। टॉयलेट आ गया तो वहाँ पे आप एसएस की पट्टी लगवा सकते हैं, एल्युमिनियम की पट्टी लगा सकते हैं या फिर आप ब्रास की पट्टी लगा सकते हैं, एस पर कंडीशन कि उसका जोन कौन सा है। अगर वेस्ट का जोन छोटा है तो वहाँ पे अलग पट्टियाँ लगेंगी, अगर वेस्ट का जोन बड़ा है तो वहाँ पर अलग पट्टियाँ लगेंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो येलो कलर की पट्टी लगा के छोड़ दो, ऑलमोस्ट वो ट्रीट हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपने देखनी है। अगर वेस्ट का डोर खुला है, मेन डोर उस व्यक्ति के घर का, उस क्लाइंट के घर का मेन डोर अगर वेस्ट में खुला है तो आपने देखना है कि वेस्ट के जोन को बैलेंस कैसे करना है। वाइट कलर की नीचे आप डोर बैलेंसिंग, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है, आप डोर बैलेंसिंग कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें करने के बाद विष्णु लक्ष्मी मार्केट में ईजिली मिल जाती है, विष्णु लक्ष्मी की एक फ़ोटो वो अपने घर के वेस्ट की डायरेक्शन पे वो विष्णु लक्ष्मी की फ़ोटो लगाए गोल्डन कलर के फ्रेम में, पैसा आना चालू हो जाएगा, पैसा रुकना चालू हो जाएगा। कई लोगों का कहना ये होता है कि सर हम पैसे तो इकट्ठा करते हैं, कभी घर में कोई बीमारी आ जाती है, कभी घर में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर घर में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि जो पैसा हमने बचा रखा है 2 महीने 3 महीने में हमने बचाया था
वो एक बार में सारा का सारा निकल गया, फिर वो दो तीन चार महीने हम सेविंग्स करते हैं, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपने वेस्ट की डायरेक्शन को देखना है, वेस्ट साउथ वेस्ट देखना है और वेस्ट की डायरेक्शन को देखना है। तो ये दो जोन अगर बैलेंस हैं तो ऑटोमेटिकली पैसा रुकेगा। अब इस कंडीशन में भी अगर लग रहा है, इस कंडीशन में भी अगर लग रहा है कि सर सारा कुछ तो अच्छा है फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपने करना क्या है, यह पिरामिड, मैं आपको पिरामिड दिखाता हूँ, इस पिरामिड को आप उसके घर के वेस्ट पे आप रखवा दो बस, और कुछ नहीं करना है। इस पिरामिड को एक्टिव कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, और पिरामिड को रखना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ये पिरामिड है, इस पिरामिड को आपने क्लाइंट के, अब देखो ये पिरामिड जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर ब्रास का श्री यंत्र है, इसके अंदर ब्रास का श्री यंत्र लगा हुआ है, और ये जो चारों तरफ में वाइट कलर जो है, ये वाइट कलर आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ये जो चारों तरफ में अंदर में पूरे ब्रास के लगा हुआ है, एक ये डिज़ाइन बना हुआ है, इसे हीलिंग के लिए कहते हैं, हीलिंग का एक ये कॉस्मिक एनर्जी खींचता है यूनिवर्स से, और ये पिरामिड के शेप में है, ठीक है, ये पिरामिड के शेप में है तो ये यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी खींचता है और चारों दिशाओं में उस जगह की एनर्जी को बैलेंस करता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, इसमें जो चारों तरफ लगा हुआ है गोमती चक्र, चक्र का काम क्या है कि पैसे को रोटेट करना, वैसा गोल गोल घूम करके एक ही जगह में, गोमती चक्र का मतलब ये है कि जिस जगह से चालू होगा उसी जगह में आकर के खड़ा हो जाएगा, मतलब अगर आपके पैसे कहीं इधर उधर हो रहे हैं तो वो पैसे चले तो जाएंगे परंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। और इसे लगाना कैसे है वो मैं अभी आपको ड्राइंग में बताऊंगा कि लगाना कैसे है। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हमने तो बहुत सारे पिरामिड्स लगाए हैं, फ़ायदा नहीं मिला, हमें उनकी बातों पे नहीं जाना है। ये रेमेडी मैंने अभी तक, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसों की सेविंग्स नहीं हो रही है उनके लिए काम करेगा, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनके पास पैसा आ ही नहीं रहा है, या उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है तो वो सेविंग्स क्या करेंगे, वो बात अलग है। हम एंड रिजल्ट्स पे जा रहे हैं कि पैसा आ रहा है परंतु रुक नहीं रहा है, तो उनके लिए ये रेमेडी 101% काम करती है। और जब वो देखते हैं कि इसको लगाया हमने, पैसे की सेविंग्स हो गई है, और एक मंत्र होता है, वो मंत्र मैं आपको दूंगा, उस मंत्र का वो चैंट करें, मंत्र भी मैं आपको एक नॉर्मली बता देता हूँ, ओम विष्णु प्रियाय लक्ष्मी शिव प्रियाय सती से प्रकट हुई कामाक्षा भगवती की आदि शक्ति युगल मूर्ति अपार दोनों की प्रति अमर जाने संसार दुहाई कामाख्या की आय बढ़ा वै घटा दया करमाई ओम नमः विष्णु प्रियाय ओम नमः शिव प्रियाय ओम नमः कामाख्याय श्रीम 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 ह्रीम 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 ओम। ये मंत्र है लक्ष्मी का, बहुत ही सिंपल है, आप इसको 25-50 बार अगर आप बोलेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा। और विष्णु लक्ष्मी की फ़ोटो लगाइए, विष्णु लक्ष्मी की फ़ोटो अगर आप वहाँ लगाते हैं और इस पिरामिड को अगर आप वहाँ पे स्थापित करते हैं, मैं कह सकता हूँ कि उनके जो अनएक्सपेक्टेड खर्च हैं, जो बेवजह के जो खर्च आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होने लगेंगे, कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगेंगे। अब आप मार्केट से भी ये पिरामिड ले सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। पिरामिड जो होते हैं वो क्रिस्टल्स के होते हैं, क्रिस्टल के अंदर में कुछ आइटम्स लगाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर श्री यंत्र है, ब्रास का श्री यंत्र है, और वेस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो फायर, वो वरुण देवता की है, और उससे रिलेटेड उसको क्रिएट कौन करता है, अगर फाइव एलिमेंट में हम समझे तो अर्थ एलिमेंट, अर्थ से क्या बना, वायु, ठीक है। तो ब्रास का लगा हुआ है श्री यंत्र, ऑलरेडी अपना पावरफुल है, श्री यंत्र पावरफुल है ही, साथ में सोने पे सुहागा जिसे हम कहते हैं, तो हमने पिरामिड दे दिया। तो डबल एनर्जी जब ये किसी चीज जगह से खींचेगा तो ऑटोमेटिकली उस घर में पैसे की सेविंग्स होना चालू हो जाएगी। यह बहुत ही अच्छी रेमेडी है, मैंने अभी तक जितने लोगों को दिया है, अब 100% तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुश्किल होता है, बट मैंने अभी तक जितने लोगों को दिया है 98% इसके रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। सपोज़ अगर मैंने 1000 लोगों को दिया है तो 980 लोगों को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, 20 लोगों को द लॉ ऑफ कर्मा, कुछ कर्म भी होते हैं इंसान के, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि 100% तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति दे ही नहीं पाया है,
चाहे चाहे हम किसी भगवान का नाम ले लें, नाम लेना गलत हो जाएगा, चाहे हम किसी भी चीज़ को ले लें, तो 100% तो इस दुनिया में कोई नहीं दे पाया है। वो स्टडी की बात अलग होती है कि वो बच्चा पढ़ा तो 100 में 100 ले आया, वो एक आर्ट पार्ट अलग होता है, बट लाइफ में जब हम 100% किसी जगह पे नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं हम मिस हो जाते हैं कुछ परसेंटेज पॉइंट, 99.9% से हम कह सकते हैं कि 99.999.1% से हम भी कहीं ना कहीं मिस तो वो होता है। तो इसीलिए ये रिज़ल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आप चाहें तो अपने क्लाइंट्स के घर पे पैसे नहीं रुक रहे हैं तो आप ये उपाय उन्हें दे सकते हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।